नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। उत्तर प्रदेश में हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप और अत्याचार का मामला न्यायालय की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे समाज सेवी संगठनों के से जुड़े लोग। रोष मार्च निकाल करके यूपी सरकार का पुतला फूंका, यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जी हां, उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ गैंगरेप और उसे दी गई अमानवीय यातनाओं से और उसकी मौत के बाद लोगों में जबरदस्त रोष है। पिछले दो दिनों से इलाके में विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी तरह से प्रदर्शन कर यूपी सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया है। आज सुबह ही विभिन्न संगठनों द्वारा अंबेडकर पार्क में एकत्र होकर के यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने युवती को तुरंत न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा था कि ऐसे पिशाच प्रवृत्ति के लोगों को समाज में रहने का किसी भी दृष्टि से कोई अधिकार नहीं है। मामले के फलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले में सुनवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द इन नर पिशाचों की फांसी की तख्ते पर लटका दिया जाना चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी सरकार में बेटियां महफूज नहीं हैं तो कैसे कोई अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा। आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उपयुक्त देश भर में आपराधिक घटनाएँ बढ़ चुकी हैं। खासकर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली घटनाओं में इजाफा हुआ है। भाजपा की सरकार उन्हें रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर युवती को जल्द से इंसाफ नहीं मिला तो आंदोलन तेज करेंगे, भले ही उन्हें रोड जाम क्यों न करना पड़े। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। प्रकार से आज का प्रोग्राम था जो बहन मनीषा के कातिलों को सजा मिले इसके लिए हमारा विरोध प्रदर्शन था। आज योगी सरकार का पुतला फूंका गया है। जब से ये भाजपा सरकार आई है यूपी में गुंडा सतली बन चुकी है और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की बेटियां अपमानित हो रही हैं और लगातार बलात्कार की जैसी घटनाएं हो रही हैं। कॉलेजों के आगे लड़कियों को शरेआम उनकी आबू पे हाथ डाला जा रहा है। ये सरकार जब से आई है ये बेटी पढ़ाओ बेटी का नारा दे करके आई थी और लेकिन बेटी आज सुरक्षित नहीं है। और पिछले दिनों जब धारा 370 हटी थी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान दिया था कि जो कश्मीर में जो लड़कियां हैं उनके साथ आप ब्याह कर सकते हो। इतने बड़े पद पर मुख्यमंत्री विराजमान है, मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि वो भी किसी की बहन बेटियां हैं, किसी की बहन लगती है, किसी की बेटी है, ऐसे बेटियों को अपमानित करने का काम करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। आज हमारे संगठन ने सभी संगठनों ने आज योगी सरकार का पुतला फूंका। कौन कौन से संस्था आपने साथ जुड़े हुए थे, संगठन कौन कौन से यार जो शामिल हैं? देखिए हमारे साथ काफ़ी संगठन है, काफ़ी संगठनों का नाम लूँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लगभग सभी संगठन थे साथ आज और आगे भी अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता तो हमारा आंदोलन और तेज होगा, चक्का भी जाम करेंगे और योगी सरकार के लगातार पुतले फूंकने का भी काम करेंगे। घटना घटती है।